बरेली में निर्माणाधीन कुतुबखाना पुल को लेकर अफसरों के सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के सारे दावे धरे के धरे रह गए। कुतुबखाना पुल पर हुए हादसे में 20 दिन बाद ही एक और जान चली गई। शुक्रवार शाम शटरिंग के लिए लगाई गई करीब 70 किलो वजन की लोहे की प्लेट वहां से गुजर रहे 55 वर्षीय सुधीर कुमार के ऊपर आ गिरी, जिसमें बुरी तरह घायल हुए सुधीर ने कुछ घंटों बाद ही एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सुधीर कुमार की रीढ़ की हड्डी टूटने के साथ हाथ पैर और सिर में गंभीर चोटें आई थीं। इस हादसे के बाद मृतक के भाई ने कार्यदायी संस्था के MD और प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं इससे पहले 3 सितंबर को निर्माण कार्य में लगे मजदूर धनंजय के नीचे गिरकर मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक शहर के भूड़ मोहल्ला निवासी सुधीर ठेकेदारी करते थे, जो शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे को तुपखाने की ओर से पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अलका होटल के पास शटरिंग की लोहे की प्लेट ऊपर से गिर गई, जिसकी चपेट में आकर सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने बेहोश हुए सुधीर कुमार को उठाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां करीब 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक सुधीर कुमार के भाई अनिल कुमार की ओर से थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था मंटोना इंफ्रासोल कंपनी के MD अमित चोपड़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर MK सिंह और ठेकेदार को भाई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, जबकि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चाचा के साथ, चाचा मेरे कुतुबखाने की तरफ से किसी काम अपने काम से जा रहे थे और वहाँ पे फ्लाईओवर का काम तो जारी है ही, आप सबको पता है। तो जो ठेकेदार हैं वो की लापरवाही, इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं कि वहाँ की जो शटरिंग थी फ्लाईओवर की वो गिर गई उनके ऊपर अचानक से, तो उससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर कुछ लोग अस्पताल में ले जाया गया, यहाँ पे आधा घंटे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या लग रहा है कि अगर ये काम लापरवाही से ना होता? ये काम पूरी तरीके से लापरवाही है, प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं देख रहा है और ठेकेदार तो इसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं देख रहा है, पूरी लापरवाही से ही काम किया जा रहा है। लापरवाही चलते ही जान कि जान गई है चाचा की। देखिए, जो थाना कोतवाली और थाना प्रेमनगर में कुतुबखाना पुल का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण का कार्य एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स किया गया है। उसी कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है लापरवाही के संबंध में। इस लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो भी साक्ष्य सामने आते हैं उनके हिसाब से विधिक कार्रवाई संपूर्ण की जाएगी।